नमस्कार साथियों, मैं विरम देव और आप जो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये बालोसा जिले के क्षत्रियों की मोर्चा की हैं। SC ST महा सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें समाज में जागृति कैसे लाएं, समाज में राजनीतिक चेतना कैसे लाएं और समाज को मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, इन सभी मांगों पर समाज बहुजन समाज का विचार विमर्श हुआ। समाज की मुख्य मांग है कि राजनीति में हमें हिस्सेदारी मिले, समाज में हो रहे अत्याचार पर हमें दबाए जा रहा है और तमाम प्रकार से जो हम पिसड़ रहे हैं वो है नशा, नशे से हमें त्याग लेना होगा और इन सभी चीजों से हमें मुक्ति लेकर एक नए समाज का विकास करना होगा। मंच के माध्यम से तमाम प्रतिनिधियों ने समाज से आग्रह किया है कि हमें इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को अपनी ताकत दिखानी होगी, वोट की शॉट से हमें बताना होगा कि हमें भी राजनीति में हिस्सेदारी मिले कि हमारे बिना भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते। और इस समाज में आए ग्रामीण क्षेत्रों से दूर दराज से लोग वर्तमान पसपदरा विधानसभा से विधायक मदन प्रजापत के बारे में क्या बोलते हैं, आइए हम इस वीडियो में सुनते हैं। और चंद लोग जिनके चंद वोट है वो इस देश में राज कर रहे हैं, इस जिले में राज करते हैं। कोई साड़ी बैठ रहा है, कोई टिप्पण बैठ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इसी 5 साल में एक बार टिप्पण की जरूरत पड़ेगी आपको? इससे पहले आप काम पे नहीं जाते थे तो कौन सा आप गन्ने में या थैली में या रुमाल में बांध के टिप्पण खाना लेके जाते थे? ये सोचने का विषय है, समाज को गमरा करने का विषय है, समाज को बुलगाने का विषय है, ये सोचने का विषय आपको है। साड़ी आज वितरण हो रही है तो क्या हमारी बहन बेटी कपड़े पहन के नहीं थे क्या? लेकिन समाज को गुमराह कर रहे हैं और गलती उनकी भी नहीं है, गलती हमारी है कि हम लोग भीड़ में उनके हिस्से बनते जा रहे हैं। हमारी मांगे ये है कि हमारी जनसंख्या होते हुए भी हमारा कोई कुछ भी वजूद नहीं है, इसलिए सम्मेलन रखा था। नाम का बिगुल बन चुका है, आप किस पार्टी को वोट देंगे या अपन खुद भी चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि कोई भी पार्टी हमारे SC ST समाज के बिना गतिविधि दे, चाहे कांग्रेस में BJP दे, कोई वर्तमान उनसे आपका समाज में या आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुआ या नहीं हुआ? मेरे हिसाब से तो जीरो है, कोई भी रोड चलने का लायक नहीं है। ज्यादा करो और कम करो, ये जिला बना है तो जिले की टेंडर भी बजाता रहता है और जिले 23 बने हैं, सिर्फ 23 मदन में नहीं बने, वो भी बने हैं जिले, दूधी जैसा गांव है मैकल, वो भी जिला बन गया तो बालोतरा बन नहीं था 40 साल से मांग, इसमें बड़ी बात पूर्ति है। उनके बारे में ये वार्तालाप है और सबसे बड़ा मुद्दा है आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि SC ST का यहाँ पे वोट बैंक है तो उनको विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, इसलिए ये महासम्मेलन रखा गया है। चुनाव का बिल्कुल बन चुका है, आप किस ओर जाएंगे, किस पार्टी का? नहीं, हम किस ओर जाएंगे वो समाज तय करेंगे, क्योंकि हम SC ST समाज के साथ है और SC ST का समाज का सम्मान करते हैं। अभी जो वर्तमान में 5 साल तो सरकारी बारे में आपको कितना फायदा हुआ, विधायक से क्या आपको योजना मिली? योजना भी मिली थी, कुछ अच्छा भी हुआ कुछ बुरा भी हुआ। जहाँ हमारे भाई पिता लेने गए थे उनके साथ लाठी भी हुई, 4 सालों में साड़ दिया, अभी दी है तो पहले क्या था, टिप्पण उन्होंने दिया है लेकिन खाली दिया, बड़े का रोजगार का शिक्षा स्कूल खुलवा दिए, कॉलेज खुलवा दिए, लेकिन वहाँ पे लाठियां बाजी थी, उस पर आपका क्या कहेंगे? तो पहले आपकी अगर पहली बात है कैपेसिटी नहीं है तो आप उनको बुलाना नहीं चाहिए, अगर आप बुलाते हो तो उनको सबको बुलाओ, सबको दो लाठी चार्ज करके आप ये मत दिखाओ कि ये वो है ये वो है। टिप्पण खाली दिए आपने, खाना आपने खिलाया होगा लेकिन उन खाली टिप्पण को भरने के लिए रोजगार का है लोगों के पास? रोजगार नहीं है। शिक्षा की बात करें तो लोगों में शिक्षा नहीं है, यहाँ पे लोग कई कॉलेज स्कूल खोल दी है लेकिन वहाँ पे टीचर की कमी है, रोजगार युवाओं को रोजगार कहाँ है? बालोतरा जिला बनाया और जिले में जिले पहले बाहर में जाना पड़ता था, बालोतरा जिला बना, इससे आपको कितना आप कितना खुश है? बालोतरा जिला बना है इससे फायदा क्या हुआ है साहब? पहले सबसे बड़ी बात रिफाइनरी चली गई, बालोतरा जिला बन गई है ना, वो भी बात की बात थी, रिफाइनरी चली गई ना, ये जिला क्या काम आया? जो रोजगार का साधन था वो भी कोई और लेकर चाह रहा है, आप यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है?